हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनु छाबड़ा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि प्राइमर परचेज करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज अपने लास्ट वीडियो में, जिसमें कि मैंने बिगिनर्स के लिए मेकअप किट दिखाई थी, उसमें भी मैंने आपको बोला था कि मैं आगे आने वाले वीडियोज में, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको किन प्रोडक्ट्स में परचेज करना चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूं। बिकॉज बहुत ही ओवरवेलमिंग हो जाता है, हम ब्यूटी ब्लॉगर्स को देखते हैं, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, हर वीडियो में अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और ज्यादातर हम उनके ऑनलाइन लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं ताकि आप लोग ऑनलाइन परचेजिंग कर सकें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट अपनी किट में ऐड कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उसे काउंटर पर जाकर ही परचेज करें। आप काउंटर पर जाकर उस प्रोडक्ट को ट्राई करें, उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें, उसके बाद ही आप उस प्रोडक्ट को परचेज करें। मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैंने ट्रायल एंड एरर से सीखे हैं। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि जो मेरी स्किन को सूट किया है वो आपकी स्किन को भी सूट करेगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि स्किन टू स्किन वेरी करता है। सो आप प्लीज पहले मार्केट में रिसर्च कीजिए और उसके बाद ही कोई प्रोडक्ट परचेज कीजिए। सो गाइज, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे दीजिएगा एक बड़ा सा थम्स अप, और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइमर क्या है। प्राइमर ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे मेकअप को ब्लेंड करने में हमारी हेल्प करता है, स्मूथली ब्लेंड करता है हमारी फाउंडेशन को, और दूसरा ये हमारे मेकअप की लॉन्जेविटी को बढ़ाता है। प्राइमर का बेसिक काम है हमारे स्किन को मेकअप के लिए रेडी करना, मेकअप के लिए प्रिपेयर करना। तो इट्स लाइक कि आप अपनी फाउंडेशन से पहले जो भी प्रोडक्ट अपने फेस पर अप्लाई करते हैं वो आपकी स्किन को प्रेप करता है जो भी लुक आप क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई पार्टी मेकअप करना चाहते हैं जो कि बहुत ग्लोई हो और बहुत ज्यादा आपकी स्किन जो है विद इन आपकी ग्लो करे, तो आपको एक इल्यूमिनेटिंग प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। तो क्विकली मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगी कि मार्केट में कौन कौन से प्राइमर्स अवेलेबल हैं। ऑयल बेस्ड प्राइमर्स, क्रीम बेस्ड प्राइमर्स, इल्यूमिनेटिंग प्राइमर, पोर फिलिंग प्राइमर्स, मैटिफाई प्राइमर्स। प्राइमर परचेज करते समय आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना होगा कि आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली है, या हो सकता है आपकी स्किन कॉम्बिनेशन हो जो कि टी जोन में ऑयली होती है और बाकी आपके पोर्शन में सिर्फ ड्राई होती है। प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते समय हमें उसकी बॉटल या ट्यूब या जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो भी मेंशन किया हुआ है उसे जरूर पढ़ना चाहिए कि वो प्रोडक्ट हमसे क्या प्रॉमिस करता है, कि वो मैटिफाई प्रोडक्ट है या वो हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट है, कि वो आपके पोर फिलिंग कंसर्न को पूरा करेगा, या रेडियंस प्राइमर है जो कि आप फाउंडेशन के अंडरनीथ लगा सकते हैं। तो इट्स लाइक कि हमें थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद ही किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो सबसे पहले मैं बात करूंगी ड्राई स्किन की। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको हाइड्रेटिंग प्राइमर में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपने अच्छे से मॉइस्चराइज भी किया हुआ है, लेकिन अगर आप एक प्राइमर की लेयर भी उसके साथ लगा देंगे तो आपकी फाउंडेशन बिल्कुल बटर की तरह ब्लेंड होगी और आपका मेकअप बिल्कुल स्मूथली अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको ऐसा प्राइमर परचेज करना चाहिए जिसके ऊपर मेंशन हो कि वो मैटिफाई है या वो ऑयल कंट्रोल है या वो शाइन फ्री है। इस तरह के प्राइमर्स आपके लिए बेस्ट होंगे अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप हाइड्रेटिंग प्राइमर में ही इन्वेस्ट करें, बिकॉज आपके चीक्स का एरिया जो है वो ड्राई है और मेन प्रॉब्लम्स यहीं पर होती है पोर्स की या ड्राइनेस की, यहीं से जो फाउंडेशन है हमारी कई बार केकी हो जाती है। तो इसलिए आप एक हाइड्रेटिंग प्राइमर में इन्वेस्ट कीजिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, मार्केट में बहुत सारे फिनिश के प्राइमर्स अवेलेबल हैं। ऑयल प्राइमर जो होता है वो ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे मेरी ड्राई स्किन है और आगे विंटर्स आने वाले हैं, तो ऑयल प्राइमर के बिना मैं फाउंडेशन अप्लाई कर ही नहीं पाती हूँ, बिकॉज मेरी फाउंडेशन इतनी ज्यादा केकी हो जाती है, ब्लेंड भी नहीं होती है, और जहां जहां मेरे ड्राई पैचेस होते हैं वहीं पर जाकर बिल्कुल स्टिक हो जाती है। तो ऑयल प्राइमर मेरे को विंटर्स में फाउंडेशन ब्लेंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मेरा जो फेवरेट प्राइमर है वो है पैक का ऑयल प्राइमर, जिसे मैं आजकल डेली यूज कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा प्राइमर है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। ऑयल का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा स्टिकी लगेगा और चिपचिपा लगेगा, बिल्कुल इसके दो ड्रॉप्स मैं लेती हूँ और ये स्किन के अंदर बिल्कुल ब्लेंड हो जाता है, लगता ही नहीं है कि कुछ ऑयल जैसा कुछ लगाया है, लेकिन मेरी स्किन बिल्कुल
प्लम्ब्ड और हाइड्रेटिंग हो जाती है और उसके बाद मैं इसके ऊपर फाउंडेशन लगाती हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा प्राइसी साइड पर है बट इसका फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है। आप चाहें तो कोई भी फेशियल ऑयल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास एक गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल भी है जो कि इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैंने अपनी सिस्टर को दिया है बिकॉज उसकी भी बहुत ड्राई स्किन है और वो भी मुझसे पूछ रही थी कि मुझे किस तरह का प्राइमर में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैंने उसे ट्राई करने के लिए दिया है। बट वो भी काफी अच्छा है, उसका नाम है आई थिंक गुड वाइब्स आर्गेन ऑयल, आर्गेन फेशियल, गुड वाइब्स का आर्गेन फेशियल ऑयल आई थिंक। काफी अच्छे से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके ऊपर भी फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। सो ये हो गया फ्रेंड्स ऑयल प्राइमर। इसके बाद मैं बात करूंगी क्रीम बेस्ड प्राइमर्स की। क्रीम बेस्ड प्राइमर्स बेसिकली नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए ही होते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हाइड्रेशन देते हैं और हमारी स्किन को बिल्कुल स्मूथ कर देते हैं ताकि फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो सके। मेरे पास कोई भी क्रीम बेस्ड प्राइमर नहीं है बट मैं बहुत जल्दी इसमें इन्वेस्ट करने वाली हूँ बिकॉज ड्राई स्किन के लिए क्रीम बेस्ड प्राइमर्स भी बहुत अच्छे हैं। और सेकेंड है सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स। सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स बेसिकली जिन्हें पोर्स की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही अच्छा है, बट अगर आप सिलिकॉन से एलर्जिक हैं तो आप इससे दूर रहें। आप इसे ट्राई जरूर करके देखें उसके बाद ही इसे परचेज करें क्योंकि कभी कभी सिलिकॉन हर एक की स्किन को सूट नहीं करता है। इसलिए आप एक बार काउंटर पर जाकर इसे ट्राई करें, इसे कुछ देर तक अपने स्किन पर रखें और उसके बाद ही आप इसे परचेज करें, अदरवाइज ये बहुत अच्छा प्राइमर है। लेकिन एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप कभी भी सिलिकॉन प्राइमर यूज करें तो आप उसकी बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी यूज करें या जहां पर आपको पोर्स की प्रॉब्लम है वहां पर ही थोड़ा सा अप्लाई करें और डैप डैप मोशन में अप्लाई करें बिकॉज ये हमारी स्किन को कभी कभी वे डाउन कर देता है। जब हम इसके ऊपर फाउंडेशन लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी स्किन बिल्कुल भी फर्म नहीं है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अदरवाइज सिलिकॉन प्राइमर बहुत ही अच्छा है। अगर आपको पोर्स की प्रॉब्लम है और आपकी स्किन में थोड़ा सा टेक्सचर है तो आप सिलिकॉन प्राइमर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाइका का सिलिकॉन प्राइमर भी काफी अच्छा है और अफोर्डेबल भी है, आई थिंक अराउंड 500 का है वो। पोर्स के लिए मेरे पास एक और प्राइमर है, ये है पैक का पोर प्राइमर। ये भी काफी अच्छा प्राइमर है, बिल्कुल पोर्स को फिल कर देता है और स्मूदन आउट कर देता है स्किन को। ये प्राइमर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। पैक के प्रोडक्ट्स नाइका पर, अमेजोन पर और पैक की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। सो गाइज ये था मेरा छोटा सा रिव्यू प्राइमर परचेजिंग के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा और आपकी कुछ क्वेरीज तो क्लियर हो ही गई होंगी। अगर स्टिल आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं जरूर आंसर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फाउंडेशन परचेज करते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हमें हमारी अंडरटोन्स कैसे चेक करनी चाहिए और हमें कौन सा फॉर्मूला परचेज करना चाहिए, ऑनलाइन परचेज करना चाहिए या काउंटर पे जाके परचेज करना चाहिए। तो इन सभी बातों को मैं उस वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो गाइस मैं चलती हूं अब और आपसे मिलती हूं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।